हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 13 को। इस पाठ का नाम है बच्चों खूंटे का घोड़ा। तो इससे पहले हम इस पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं, इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है बोध प्रश्न। इसका क नंबर वाला प्रश्न है, ये है बंजारे ने बूढ़े आदमी की क्या मदद की थी। तो बच्चों, एक बार क्या है, बंजारा जंगल से जा रहा था तो वहाँ पे वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुका था, तो वहाँ पे उससे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो एक बूढ़ा आदमी था जो कि है ना एक गड्ढे में गिरा हुआ था, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा था। तो बंजारे ने उस बूढ़े आदमी को उस गड्ढे से निकाल कर मदद की थी। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, बंजारे ने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाल कर मदद की थी। जो ख नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है, बंजारा रात में कहाँ रुका था। तो बंजारा बच्चों जब अपने डेयरी की ओर जा रहा था एक बार रात में, तो एक थक के यहाँ पर वो रुक गया था रात में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, बंजारा रात में ठग के घर में ठहरा था। जो गा नंबर वाला प्रश्न है वो है, ठग ने क्या कहकर घोड़े को अपना बताया। तो ठग ने बच्चों जब बंजारा उसके घर पे रुका, तो ठग ने बोला कि ये जो घोड़ा है वो इसको मेरे खूंटे ने जन्म दिया है, यानी ये खूंटा, ये जो घोड़ा है वो मेरे खूंटे से जन्मा हुआ है, तो जो खूंटा है वो मेरा है, तो इस हिसाब से ये घोड़ा भी मेरा होगा। तो इस तरीके से उसने उसके घोड़े को हत्या लिया था या फिर ठग लिया था। तो यहाँ पे बच्चों हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ठग ने कहा कि कल रात को मेरे खूंटे ने जन्म दिया है, किसे, घोड़े को, ठीक, क्योंकि खूंटा मेरा है तो घोड़ा भी मेरा है, यह कहकर घोड़े को अपना बताया, ठीक। अब बच्चों जो घ नंबर वाला प्रश्न है वो है, बूढ़े ने ठग पर क्या आरोप लगाया। तो बूढ़े ने ठग पर यह आरोप लगाया कि उससे जो मुखिया था, गाँव के मुखिया से कहा कि ये जो आपका गांव का व्यक्ति है ये कल मेरे यहाँ तालाब पे आया था और इसने तालाब के पानी में आग लगा दी, और जिस टाइम पे मैं तालाब की आग बुझाने गया तो इसने मेरे पास 1,000 असरफियाँ रखी हुई थी, उन असरफियों को चुरा लिया। इस तरीके से बूढ़े आदमी ने उस ठग पर आरोप लगाया था। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों, बूढ़े ने कहा, मुखिया जी कल रात आपके गाँव का यह आदमी घोड़े पर बैठकर आया, इसने तालाब के पानी में आग लगा दी, जब मैं पानी में लगी आग बुझाने लगा तो इसने मेरी 1,000 असरफियाँ चुरा ली और भाग आया, मेरी असरफियाँ दिला दीजिए। तो इस तरीके से बूढ़े आदमी ने उस पर आरोप लगाया था, ठीक। जो रा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है, बूढ़े बाबा ने ठग को कैसे झूठा सिद्ध किया। तो बूढ़े बाबा ने उस पर आरोप लगाकर ठग को झूठा सिद्ध किया, उस पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से खूंटे से घोड़ा जन्म ले सकता है उसी तरीके से तालाब के पानी में भी आग लगाई जा सकती है। इस तरीके से जो ठग था वो झूठा साबित हो गया, क्योंकि उसने बोला कि पानी में तो आग लगती नहीं है, तो उसने कहा कि खूंटा भी घोड़े को जन्म नहीं दे सकता इस तरीके से। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, बूढ़े बाबा ने ठग पर असरफियां चोरी का आरोप लगाकर ठग को झूठा सिद्ध किया, ठीक। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तरों में से सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, एक प्रश्न दिया है उसके 4 संभावित उत्तर दिए हैं, उसमें से जो सही उत्तर होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, बंजारे के पास कौन सा जानवर था। तो बच्चों उसके पास हमें पता है घोड़ा था, ठीक है, बंजारे के पास घोड़ा था, तो ये खा नंबर वाला हमारा सही विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है, बंजारे ने बूढ़े बाबा को कहाँ से निकाला था। तो बंजारे ने बूढ़े बाबा को गड्ढे से निकाला था, कहाँ से, गड्ढे से, तो ये घा नंबर वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वो है, ठग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया था। तो ठग के अनुसार घोड़े को खूंटे ने जन्म दिया था, ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे खूंटे ने, ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला इसी का प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 ये है, बंजारा किसे साथ लेकर मुखिया के पास गया। तो बंजारा बूढ़े बाबा को साथ लेकर मुखिया के पास गया था, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, बूढ़े बाबा को, ये गा नंबर वाला इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गा वाला, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 3 भी देख लेते हैं, ये है, किसने कहा, किससे कहा। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया है, वो किसने बोला था और किससे बोला था, जैसे कि उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। तो ये वाली बात बच्चों बूढ़े बाबा ने कहा, बोली थी, वो किससे गई थी, बंजारे से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, बूढ़े बाबा ने वो किससे बोली थी, ये इधर लिख देता हूँ बच्चों, जगह कम है, बंजारे से, ठीक है, बंजारे से, ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। खा नंबर वाला जो वाक्य है वो है, मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। तो ये बात ठग ने कही थी और किससे कही थी, बंजारे से कही थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठग ने
वो किससे गई थी? बंजारे से। ठीक है, बंजारे से। अगला जो वाक्य है उसे देख लेते हैं। जो गा नंबर वाला वाक्य है ये है, मैं जंगल में एक तालाब के किनारे रहता हूं। तो ये बूढ़े बाबा ने बोली थी, और किससे बोली थी? बंजारे से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बूढ़े बाबा ने, बूढ़े बाबा ने बंजारे से। ठीक है, बंजारे से। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है प्रश्न क्रमांक 1, भाषा अध्ययन का। ठीक है, तो ये सही जोड़ी वाला प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है जैसे घोड़ा, तो घोड़ा बच्चों खूंटे से बांधा जाता है। ठीक है, या फिर इसमें घोड़े में लगाम लगाई जाती है। ठीक है, घोड़े में लगाम लगाई जाती है, तो घोड़े के साथ बनेगा लगाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले में हम लिख देंगे घोड़ा, और यहाँ पे आ जाएगा लगाम, लगाम। ठीक, इस तरीके से। तालाब, तालाब में मछली रहती है। ठीक है, तालाब में क्या रहती है? मछली। तो तालाब को हम मछली के साथ मिला देंगे, तो यहाँ आ जाएगा तालाब, और यहाँ पे हम लिखेंगे मछली। ठीक, मछली, ये इस तरीके से। अगला है सियार। तो सियार बच्चों मांद में रहता है, जो सियार के रहने की जगह होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? मांद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे, इससे मिला देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सियार। ठीक है, सियार बच्चों एक कुत्ते जैसा जानवर होता है, जो कि जंगलों में पाया जाता है, और ये मांद में रहता है। मांद मतलब मिट्टी की एक गुफा टाइप की होती है उसमें। ठीक, रस्सी, तो रस्सी खूंटे पे बांधी जाती है, तो रस्सी से हम खूंटा मिला देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा रस्सी, और ये कहाँ आ जाएगी? खूंटे से, खूंटा, इस तरीके से। तो ये सही जोड़ी वाला प्रश्न भी हमने कर लिया। प्रश्न क्रमांक ये एक था भाषा अध्ययन का। अब देख लेते हैं भाषा अध्ययन का जो प्रश्न क्रमांक 2 है। हाँ, ये तो इस प्रश्न क्रमांक 2 में बच्चों हमें एक वर्ग पहेली दी है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है इस शब्द जाल में 10 जानवरों के नाम दिए हैं, दिए गए हैं। तो इसे ये वर्ग पहेली को क्या बोला है? 10 जानवरों के नाम इसमें दिए गए हैं। नाम आड़े, खड़े और तिरछे भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आड़े हो सकते हैं, ऐसे में हो सकते हैं। ठीक, खड़े हो सकते हैं, ऐसे में हो सकते हैं, और तिरछे इस तरीके से भी हो सकते हैं। नाम पर घेरा बनाइए और लिखिए। तो नाम पर हमें एक घेरा बनाकर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो इन्होंने एक तो लिख ही दिया है, मतलब 10 में से एक ऊंट यहाँ पे लिख दिया है, और उस पर घेरा भी बना दिया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये हिरण। ठीक, इस तरीके से हिरण। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख देते हैं हम हिरण, और देख लेते हैं ये आ गया गधा। ठीक, तीसरे पे लिख देते हैं गधा। अगला देख लेते हैं, ये आ गया रीछ। रीछ भी एक भालू जैसा जानवर होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं रीछ। अगला है ये बकरी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बकरी आ जाएगी ये। अगला ये लिख देते हैं सियार। ठीक, ये आ गया सियार, तो यहाँ पे लिख देते हैं सियार। जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं। ये आ गया बैल। ठीक, बैल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैल। ये आ गया शेर, इस जगह पर शेर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेर। हाँ, यहाँ पे घोड़ा, तो यहाँ हम लिख देंगे घोड़ा। ठीक, ये आ गई गाय, गाय। ठीक, और 10 बोले इन्होंने, तो एक को लिख देते हैं हम हाथी। ठीक, तो यहाँ पे 10, एक आ जाएगा हाथी। इस तरीके से हम इन जानवरों के नाम लिख सकते हैं। ये हमने गोले की जगह पे ये आयत बना दिया। ठीक, इस तरीके से हम इस प्रश्न के उत्तर को भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्य में प्रयोग लिख कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मुहावरा दिया है हमें चैन की नींद सोना। ठीक है, चैन की नींद सोने का अर्थ क्या होता है? बेफिक्र होना। ठीक, तो इस मुहावरे का हमें अर्थ लिखना है। इसी तरीके से हाँ में हाँ मिलाना, इस मुहावरे का अर्थ है बिना सोचे समझे किसी बात का समर्थन करना। तो इसका भी हमें वाक्य बनाना है। वाक्य इस तरीके से बनाना है कि उस वाक्य में इस मुहावरे का प्रयोग किया गया हो। ठीक, पासा पलटना, पासा पलटने का अर्थ होता है परिस्थिति बदलना, बदल जाना। ठीक,
तो इनके अर्थ तो हमें यहाँ दे दिए हैं, लेकिन वाक्य हमें बनाना है। तो वाक्य बना के बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 3 का जो पहला मुहावरा था वो था चैन की नींद सोना, इसका अर्थ था बेफिक्र होना। ठीक, तो यहाँ पे मैंने वाक्य बनाया है, राम अपनी परीक्षा देकर चैन की नींद सो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इस जगह पर मैंने इस मुहावरे का इस वाक्य में प्रयोग कर दिया है। ठीक, दूसरा है हाँ में हाँ मिलाना, तो ये है बिना सोचे किसी बात का समर्थन करना। ठीक, इसका वाक्य है राहुल अपने पिता की बातों में हाँ में हाँ मिला रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस जगह पर मैंने इस मुहावरे का प्रयोग कर दिया। ठीक, अगला जो था एक और था वो था पासा पलटना। ठीक, तो पासा पलटने का अर्थ है परिस्थिति बदल जाना। ठीक, यहाँ पे जो वाक्य है बाबा ने ठग पर आरोप लगाकर पूरा पासा पलट दिया। ठीक, तो यहाँ पे इस मुहावरे का प्रयोग हो गया। तो आपको इसी तरीके के वाक्य बनाना है जिसमें उस मुहावरे का बिल्कुल एकदम सटीक उपयोग हुआ हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाक्य हमारे वाक्य का अर्थ कुछ और निकल रहा हो, मुहावरे का अर्थ कुछ और। उस वाक्य के हिसाब से मुहावरे को हमें उपयोग करना है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 4, इसमें दिया है इन वाक्यों को सही ढंग से लिखिए। जैसे कि एक उदाहरण भी दिया है इन्होंने, एक था बंजारा। तो इन्होंने क्या करा है कि वाक्य के जो शब्द हैं उन्हें आगे पीछे करके लिख दिया, जिससे कि उनका क्रम बदल गया है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने इस वाक्य को क्रम को सही करके लिखा है एक बंजारा था। ठीक, इसी तरीके से जो खा नंबर वाला वाक्य है वो है इतना कहकर नानी हो गई चुप। तो इसका जो सही वाक्य बनेगा वो होगा इतना कहकर नानी चुप हो गई। ठीक, अगला है घोड़े ने पिया जी भरकर पानी। मतलब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि उन्होंने थोड़े क्रम को बदल दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा घोड़े ने जी भरकर पानी पिया। घा है उसका रास्ता गुजरता था जंगल से, तो इसका सही वाक्य बनेगा उसका रास्ता जंगल से गुजरता था। अगला है रड़ा नंबर वाला, ठग ने लौटाया बंजारे को घोड़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा ठग ने बंजारे को घोड़ा लौटाया। इस तरीके से ये सही वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, ये सही वाक्य हमने बना दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है वो है सही विराम चिन्ह लगाइए। जैसे ये क्या है पूर्ण विराम है, ये डैश है। ठीक है, योजक चिन्ह भी इसे बोलते हैं, योजक चिन्ह। हाँ, और ये कॉमा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि विस्मयबोधक चिन्ह है ये। ठीक, तो यहाँ पे आया अरे तुम यहाँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक आश्चर्य अचंभा टाइप का हुआ, तो इसके लिए विस्मयबोधक चिन्ह हम का प्रयोग कर देंगे इस जगह पर। ठीक, अरे तुम यहाँ। ठीक, यह है मेरा घर है। तो यहाँ पे इस वाक्य में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सुनूंगा सबकी करूंगा मन की। ठीक, तो यहाँ पे हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, अल्पविराम का प्रयोग करेंगे और पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेंगे। बंजारा बहुत ही सीधा सच्चा था। ठीक, तो यहाँ पे सीधा और सच्चा के जगह पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से हम इन चिन्हों का प्रयोग भी कर लेंगे। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।